Hello students, welcome to Education Powerhouse. This is Manisha Lalwani. Today we are going to study the chapter 2, that is The Lost Spring, written by the Annis Jung. तो आज हम ये chapter को detail में पढ़ेंगे. तो सबके पास books होनी चाहिए, right? मैं आपको line by line समझाने वाली हूँ. So let's start. Starting is it is all about the author, right? The story is of The Stolen Childhood. This is an extract of a stolen childhood. यानी मतलब ये जो स्टोरी है वो दूसरी एक स्टोरी में से ली गई हुई है, ठीक है. और वो स्टोरी का नाम है स्टोलन चाइल्डहुड, बट हमारी जो स्टोरी है उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, रिटन बाय द एनीस जंग. ओके, नाउ शी वॉज बॉर्न इन रौरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड द एडोलसेंस इन हैदराबाद. तो यहाँ पे ऑथर के बारे में बता रहे हैं कि उनका जन्म जो हुआ था वो रौरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना चाइल्डहुड और एडोलसेंस का मतलब होता है 10 to 19, टीनेज जो एज होती है वो उन्होंने अपनी चाइल्डहुड प्लस टीनेज एज उन्होंने हैदराबाद में वो रहे थे. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उन्होंने अपना एजुकेशन का जो कुछ पार्ट है वो हैदराबाद में कम्प्लीट किया और बाकी का पार्ट उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उन्होंने अपना एजुकेशन कम्प्लीट किया. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों के दोनों राइटर्स थे. एनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया एंड शी हैज बीन एन एडिटर एंड कम्युनिस्ट फॉर अ मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड. वो उन्होंने अपना जो कैरियर था एज अ राइटर वो इंडिया में शुरू किया, वो एज अ एडिटर और एज अ क्रिएटिव राइटर न्यूज़पेपर्स और जो इंडिया के न्यूज़पेपर्स है और जो अब्रॉड के न्यूज़पेपर है उसमें वो एज अ एडिटर रहे थे. एंड हैज एन ऑथर्ड सेवरल बुक्स. और उन्होंने काफी सारी बुक्स भी लिखी हैं. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक एंटाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्टोलन चाइल्डहुड की जो बुक है उसमें से ये एक पार्ट लिया गया है जिसको नाम दिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग. हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड द ट्रेडिशंस विच कंडेम दिस चिल्ड्रंस टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. तो यहाँ पे उन्होंने खुलासा किया है कि कितनी ज्यादा पॉवर्टी है जिसके वजह से कुछ बच्चे हैं जो अपना करियर नहीं बना पा रहे, वो जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते क्योंकि पॉवर्टी इतनी ज्यादा है और ट्रेडिशंस के नाम पे बच्चों की लाइफ को वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि हमारे ये ट्रेडिशन है कि हमारे घर में ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए करके जो भी ट्रेडिशनल बातों को लेके उन्होंने अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट करके रखा है, राइट. तो यहाँ पे उसने बताया है कि कितनी ज्यादा पॉवर्टी है. इस चैप्टर में आप देख सकोगे कि कैसे बच्चों को एक्सप्लॉइट किया गया है इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन एंड इन द नेम ऑफ पॉवर्टी. सो मूविंग टू द चैप्टर, यहाँ पे जो स्टोरी है वो दो पार्ट में दी है. एक है स्टोरी साहेब आलम, एक बच्चा है उसकी स्टोरी है, और दूसरी स्टोरी है मुकेश की, राइट. तो हमने ये चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट है जो साहेब आलम जो बच्चा है उसके ऊपर लिखा गया है, और जो हमारी लेखिका है जो हमारी राइटर है वो उनसे कांटेक्ट में आई, उन्होंने उनसे क्या बातें की वो सारी चीजें यहाँ डिस्क्राइब की है और बताया है कि कैसे वो जी रहे हैं और कैसे वो लोग एक्सप्लॉइट होते आ रहे हैं. क्लियर. तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद द चैप्टर. समटाइम्स आई फाउंड अ रूपी इन द गार्बेज. इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, मतलब कोई बोल रहा है, राइट. कोई बोल रहा है कि मुझे कभी कभी एक रुपया भी मिल जाता है गार्बेज में. ओके, अब देखते हैं आगे स्टोरी कैसे स्टार्ट हो रही है. व्हाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्कॉर्जिंग फॉर अ गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माय नेबरहुड. व्हाई डू यू डू दिस आई आस्क, मतलब कौन पूछ रहा है, हमारी जो ऑथर है उन्होंने पूछा है कि तुम ऐसा सब क्यों करते हो. किसको पूछा, आई आस्क साहेब,
साहेब को पूछा। When I encounter every morning, जब भी वो उससे रोज एनकाउंटर मतलब हमेशा वो उससे मिलते थे, हर रोज सुबह वो उससे मिलते थे, स्क्राउजिंग फॉर अ गोल्ड इन अ गार्बेज। स्क्राउजिंग का मतलब होता है सर्च फॉर, कुछ ढूंढना, ठीक है। तो वो बंदा, वो जो बच्चा है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता था गार्बेज में। और गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड का मतलब सच का सोना नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जो उनको काम लग सकती है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ गोल्ड फॉर देम। तो यहाँ पे लेखिका पूछ रही है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। जब भी वो साहेब को सुबह मिलती और साहेब क्या करता, कचरे में कुछ ढूंढता, गार्बेज डम्स ऑफ माय नेबरहुड। समझ आ रहा है? यहाँ पे जो लेखिका है वो साहेब को पूछती है कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। जब भी वो उसे देखती सुबह को, जब वो कचरे में से, कचरों के ढेरों में से कुछ ना कुछ खोजता। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, सेट एडमिस्ट दी ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। जो साहेब है वो अपना घर काफी टाइम पहले छोड़ के आ चुका है, जो कहाँ पे था, ढाका। ढाका सबको पता है इट इज द कैपिटल ऑफ अ बांग्लादेश, ठीक है। तो ये जो साहेब है वो कहाँ से है, बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश वो छोड़ के यहाँ पे आ चुके हैं। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसके और जो घर का मेमोरी है वो उसे ठीक से याद भी नहीं है। There were many storms that swept away their fields and home, his mother tells him. ये जो चीजें हैं उसको मदर उसके बताते थे कि बहुत सारे तूफान आए थे जिसके वजह से वो लोग अपना घर छोड़ के आ गए, क्योंकि उनके घर की जितनी भी ग्रीन फील्ड्स थी, उनका खेत था, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया तूफान में, जिसके वजह से वो लोग यहाँ शहर में आ चुके हैं। His mother tells him, उसकी मदर उसे ये बताती है। That's why they left looking for a gold in the big city where he now lives. इसीलिए वो लोग अपना घर छोड़ के बड़ी सी सिटी में आ गए फॉर लुकिंग फॉर अ गोल्ड। अगेन आई एम टेलिंग, यहाँ पे गोल्ड का मतलब गोल्ड नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जो उनका सर्वाइवल दे सके या कोई भी ऐसी चीज जो उनको यूजफुल हो सके। वेर ही लिव्स नाउ, अब ये कहाँ रहते हैं, ही लिव्स इन दिल्ली, जो आगे आएगा, नॉट एग्जैक्टली दिल्ली बट समहाउ इन दिल्ली, राइट। तो वो लोग बांग्लादेश छोड़ के कहाँ आ चुके हैं, इन इंडिया, इन दिल्ली। स्टोरी टू पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट इज ऑफ साहेब, और यहाँ पे लेखिका साहेब को क्वेश्चन पूछ रही है कि तुम ये क्यों करते हो, रोज सुबह गार्बेज में क्या खोजते हो, क्यों खोजते हो। और वो उसे बताता है कि हम ढाका में रहते थे और ढाका से वो लोग अभी इंडिया आ चुके हैं, क्योंकि उनका घर जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ तक की स्टोरी, नाउ लेट्स मूव अहेड। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। लेखिका ने उससे पूछा था, व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसके आंसर में उसने कहा है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। ही मटर, मटर का मतलब क्या होता है, मटर का मतलब होता है से समथिंग इन लो वॉइस, स्पेशली इन डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे नीचे मीनिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो बहुत ही धीरी सी आवाज में बोलता है कि मेरे पास और कुछ करने को भी नहीं है, दूसरी तरफ देख के, लुकिंग अवे। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। ऐसे आपने सुना होगा, ग्लिबली का मतलब होता है फ्लुएंट बट इनसिंसियर एंड शैलो। कभी कभी हम बात करते करते कुछ ऐसी चीज बोल जाते हैं जो हमें बोलनी नहीं चाहिए, और वो हमें तभी रियलाइज हो जाता है कि मैंने ये क्या बोल दिया, मैंने ऐसे कैसे कह दिया। तो जब उसने कहा कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है, तो लेखिका ने उससे कहा गो टू स्कूल, तो तभी उसे रियलाइज हो गया कि मैंने कैसी बकवास सी एडवाइस उसे दे दी है, क्योंकि हमें उसे पता था कि ही इज नॉट इन द कैपेसिटी टू गो टू अ स्कूल, इन अ गुड स्कूल, राइट। सो उन्हें रियलाइज हो गया कि उन्होंने जो एडवाइस दी है वो बड़ी ही बेतुकी है। नेक्स्ट पेज, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, ठीक है। तो यहाँ पे साहेब ने आंसर दिया कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है, जब बन जाएगा तब मैं चला जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम,
आई आस्क हाफ जोकिंग, यहाँ पे लेखिका पूछ रही है जोकिंग वे में, मजाक उड़ाते हुए थोड़ा सा, कि अगर मैं स्कूल चालू करूँ तो क्या तुम आओगे? यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, और वो बड़े ही खुश होते, अच्छी से स्माइल देते हुए कहा कि हाँ मैं आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन बाद वो उनके पास दौड़ते दौड़ते हुए आया। इज योर स्कूल रेडी, और क्वेश्चन क्या पूछा, क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से एम्बेरेस्ड, क्योंकि उन्होंने तो वो मजाक में कहा था, क्योंकि ऊपर लिखा है हाफ जोकिंग, उन्होंने तो वो मजाक में कहा था, तो अभी वो एम्बेरेस हो गई, उन्हें सॉरी फील हो रहा है, और वो उन्होंने आंसर किया किया इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में टाइम लगता है, ऐसे ही नहीं बन जाता। एट हैविंग अ प्रोमिस दैट वॉज नॉट मेंट, उन्होंने ऐसा प्रॉमिस कर दिया जो वो कभी पूरा नहीं कर सकती थी। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ऐसे प्रोमिस तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से सुने हैं जो उनके लाइफ में आसपास रहते हैं ना, ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक वर्ल्ड का मीनिंग आपको दिया है, इफ यू डिस्क्राइब अ प्लेस एज ब्लीक दैट मीन्स इट लुक्स लाइक कोल्ड एम्प्टी एंड अनअट्रैक्टिव, उनका जो जिंदगी है, उनका जो लाइफ है वो कैसा है, इट इज अ अनअट्रैक्टिव लाइफ, एम्प्टी लाइफ। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे बहुत सारे प्रोमिसेस है जो उनके लाइफ में जो कभी पूरे किए नहीं जा सकते। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम, ऐसे रोज वो लोग एक दूसरे से मिलते रहे, तो काफी टाइम बाद जब रोज मिलना हुआ तो कुछ महीनों बाद उन्होंने उनसे उनका नाम पूछा। साहिबे आलम ही अनाउंस, उन्होंने अपना नाम बताया कि साहिबे आलम। ही डजंट नो वॉट इट मीन्स, बट उस बच्चे को ये नहीं पता था कि उसके नाम का क्या मीनिंग होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग दैट इज लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम टू बिलीविंग इट, कि साहिबे आलम का मतलब होता है इट इज अ लॉर्ड ऑफ अ यूनिवर्स। अगर उसे ये मतलब पता चलता तो उसके लिए बहुत हार्ड होता बिलीव करने के लिए, क्योंकि वो एक रैग पिकर है जो कूड़ा उठाता है, तो उसको वो बहुत हार्ड रहता ना बिलीव करने के लिए कि वो एक लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स उसका मतलब होता है, और वो कचरे में से कूड़े में से कुछ ढूंढता है, रैग पिकिंग करता है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट वेयर हिज फ्रेंड्स एंड आर्मी ऑफ बैरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, उसे अपने नाम का मतलब ना पता था, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ गलियों में घूमता, राइट, जैसे बिना चप्पल के, बैरफुट बॉयज हु अपीयर इन मॉर्निंग लाइक अ बर्ड एंड डिसअपीयर एट नून, सुबह सुबह वो लोग निकलते जैसे मॉर्निंग बर्ड्स निकलते हैं, और दोपहर और शाम तक वो सब लोग गायब हो जाते, क्योंकि सुबह सुबह उनको कचरा मिलता और वो कचरे में से जो भी अच्छी चीज, उनके काम की चीज होती, वो उसमें से निकाल लेते। ओवर द मंथ्स आई हैव केम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, धीरे 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 सबसे बात होने लगी, पहचान होने लगी, तो जितने भी बॉयज रैग पिकिंग कर रहे थे उनमें मैं सबको धीरे धीरे जानने लगी थी, ऐसा हमें हमारी जो राइटर है, लेखिका है, वो बताती है। Why aren't you wearing chappals? I ask one. आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं? ऐसा उन्होंने एक बच्चे से पूछा। उसने आंसर दिया है, My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. उसने बहुत ही सिंपल वे में कहा कि मेरी मम्मी जो है वो मुझे ऊपर से चप्पल उतार के नहीं देती। यहाँ पे शेल्फ मतलब कोई भी अलमारी हो सकती है या कोई भी ऊंचा टेबल हो सकता है जहाँ पे उनकी चप्पल पड़ी है, और उसकी मदर उसको चप्पल उतार के नहीं देती, ऐसा उसने आंसर दिया। इवन शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स अनदर हु इज वियरिंग दी शूज दैट डू नॉट मैच, दूसरे ने आंसर ये दिया कि अगर उसकी मम्मी उसको चप्पल उतार के भी देगी तो भी वो पहनेगा नहीं,
और वो बच्चा जो बोल रहा है उसने शूज पहने हैं जो दोनों अलग अलग जूते हैं, जो डू नॉट मैच ईच अदर, दोनों एक दूसरे को मैच नहीं करते. व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग. जब लेखिका ने वो शूज देखा और कमेंट किया कि तुमने तो दो अलग अलग जूते पहने हैं, तो वो अपनी फीट घुमाने लगा इधर उधर और उसने कुछ भी नहीं कहा. मतलब उसे शायद शर्म आने लगी या उसे अच्छा फील नहीं हुआ, तो वो कुछ बोला ही नहीं. आई वॉन्ट शूज, सेड द थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ. तीसरे बच्चा वहां पे बोला कि मेरे को शूज चाहिए, उसने कभी अपनी लाइफ में शूज नहीं पहने. राइट. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बैरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड. इट इज नॉट अ लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बैरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन. अब यहाँ पे जनरली लेखिका बोल रही है, हमारी राइटर बोल रही है कि मैं जब पूरी कंट्री घूमी, बहुत जगह गई, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो बिना चप्पल विलेजेस के रोड्स पे या सिटीज पे घूमते हैं. और जब उन्हें पूछा जाता है कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो वो ये नहीं कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए, बट उनका एक्सप्लेनेशन ये होता है कि हमारा ये एक ट्रेडिशन है चप्पल ना पहनने का. तो ये एक जनरल पॉइंट दिया गया है ये स्टोरी में. आई वंडर, नेक्स्ट पेज, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, तो परपेचुअल स्टेट का मतलब नेवर एंडिंग और नेवर चेंजिंग. राइट. कभी खत्म ना होने वाली पॉवर्टी. वो हमेशा सोचती कि ये शायद एक एक्सक्यूज है ये छुपाने के लिए कि वो लोग कितने पुअर है. आई रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी. ये भी एक जनरल पॉइंट वो यहाँ पे लाए हैं जिसका साहिब से कोई रिलेशन नहीं है. तो वो बता रही है कि मेरे को याद है एक बंदा है जो उडुपी से था, उसने मेरे को एक बार स्टोरी बताई थी. वो स्टोरी क्या थी, लेट्स सी. एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेर हिज फादर वॉज प्रेस्ट एंड ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट अ टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज. एक बच्चा है, ठीक है, वो स्कूल जाता और स्कूल के पीछे ही जो टेम्पल है वहां पे जाके वो प्रे करता कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए, क्योंकि और उसके फादर क्या थे वहां पे, पंडित थे. 30 years later I visited his town and temple which was now drowned in an air of desolation. Desolation का मतलब है a state of complete emptiness or destruction. ठीक है, पूरा खाली होना. वो विलेज कैसा हो चुका था, 30 साल बाद पूरी तरह से खाली हो चुका था. तो यहाँ पे जो उडुपी से बंदा था जिसने स्टोरी बताई थी एनीस को, वो 30 साल बाद उसे मौका मिला था वो विलेज में जाने को. तो वो जब वहां गई तो उन्होंने देखा कि वो जो विलेज है वो पूरा खाली खाली है. इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू पेरिस्ट देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स. तो जो बैकयार्ड था, जो टेम्पल के पीछे खाली जगह थी, वहां पे अभी एक नए पंडित आ चुके हैं और वहां पे रेड और व्हाइट प्लास्टिक चेयर लगी हुई थी. A young boy dressed in a grey uniform, wearing the socks and shoes, arrived panting and threw his bag on folding bed. Panting मतलब जोर जोर से जब बच्चे चलते हैं वो. तो जब वो वहां पे बैठी हुई थी तो वहां पे यंग बॉय आता है जिसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, जिसने शूज सॉक्स सब कुछ पहना हुआ है. स्कूल से आते ही वो अपना बैग वहां पे बैग बेड पे फेंक देता है. Looking at the boy, I remember the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got the pairs of shoes. जब वो बच्चे को देखती है कि उसके पास क्या है, शूज है, सॉक्स है, सब कुछ है, तब उसे वो बंदे की प्रेयर याद आती है जो स्टार्टिंग में बताई हुई थी कि उसे क्या चाहिए, पैर ऑफ शूज चाहिए. ठीक है, लेट मी नेवर लूज देम. जब उसे वो शूज मिल जाते हैं तो उसने भगवान से एक और प्रेयर की होती है कि ये शूज कभी भी मेरे से कोई छीन ना सके. द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर. भगवान ने उसकी प्रेयर सुन ली और वो ग्रांट कर दी. यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ट नाउ हु वोर द शूज, बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबर
हुड रिमेन्स शूलेस। वो जो विश ग्रांट हुई थी उसमें ऐसा था कि आज के बाद कोई भी पंडित का बच्चा बिना शूज के नहीं रहेगा, राइट। बट बहुत सारे ऐसे रैग पिकर्स हैं मेरे नेबरहुड में जो बिना शूज के रहते हैं। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है वो एक जनरल में उन्होंने बताया है, एक स्टोरी को रिलेट करके, जिसका साहिब से कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ एक रिलेशन है जो बताना चाहती है कि वो लोग बहुत पुअर है, दैट दे कैन नॉट अफोर्ड अ शूज ऑल्सो। माय एक्विंटेंस विद द बैरफुट रैग पिकर लीड मी टू सीमापुरी। जो उनका रिलेशन बन चुका था इन रैग पिकर्स के साथ, तो एक दिन वो कहाँ पहुंच गए, सीमापुरी, अ प्लेस ऑफ द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। यहाँ पे जो सीमापुरी है वो एक ऐसी जगह है जो दिल्ली में ही है, दिल्ली की बॉर्डर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रही है कि जो रैग पिकर्स है वो कहाँ रहते थे, सीमापुरी, जो दिल्ली में ही है। पर वो ऐसा लगता था कि वो मीलों दूर है उससे, क्यों, क्योंकि वो जब आप उस जमीन को देखेंगे, जहाँ वहां के लोगों को देखेंगे, तो दिल्ली से काफी अलग है। तो उनको ऐसा लगता था कि ये एक ऐसी जगह है जो बहुत दूर है दिल्ली से, एक गाँव जैसी कोई जगह है, राइट। यहाँ पे पेरिफेरी का मतलब है अ लाइन दैट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ एन एरिया, तो सीमापुरी बाउंड्री पे आता था। दोज हु लिव हियर आर द स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। स्क्वैटर्स का मतलब है समवन हु लिव्स इन द अनयूज्ड बिल्डिंग विदाउट हैविंग अ लीगल राइट। तो यहाँ जितने भी लोग रहते थे वो स्क्वैटर्स थे, जो इलीगली यहाँ रहते थे, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था पाकिस्तान से, राइट। तो तब जो फाइट्स वगैरह हुए थे, तो उस समय बहुत सारे लोग हैं जो बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ चुके थे, और 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिली थी पाकिस्तान से, राइट। तो शायद साहिब की फैमिली भी उसी समय यहाँ पे आई हुई है 1971 से, और बांग्लादेश के कहाँ, कौन से एरिया से आई हुई है, ढाका, ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। साहिब फैमिली इज अमॉन्ग देम, राइट। मैंने कहा साहिब की जो फैमिली है वो भी इनमें से ही है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट इज स्टिल बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। जो सीमापुरी जो इलाका है वो पूरा बंजर है, राइट, अनसेटल्ड रीजन, वो आज भी वैसा ही है, पर आज वो एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी क्यों नहीं है, क्योंकि जो बांग्लादेश के लोग हैं वो यहाँ पे अब रहने लगे। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मर्ड विद द रूफ ऑफ टिन्स एंड टर्पुलिन, जो उनका घर बना हुआ है वो मिट्टी का बना हुआ है, और जो रूफ है वो टिन के, आपने देखा होगा, मैंने साइड में इमेज दिया है, छपरा, जो छपरा होता है छपरे से बना हुआ है। एंड टर्पुलिन एक ऐसा कपड़ा होता है टेंट बनाने के लिए यूज होता है, विच इज वाटर प्रूफ, जो उसके नीचे आपको इमेज है, तो दैट इज ऑफ टर्पुलिन। डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और द रनिंग वाटर, ना उनके यहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी थी, ना पानी ड्रेनेज की, ना रनिंग वाटर की। एंड लाइव 10,000 रैग पिकर्स, और वहां पे करीब कितने रैग पिकर्स रहते थे, 10,000। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। वो कितने साल, 30 साल से रह रहे हैं यहाँ पे विदाउट एनी आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन द वोटर लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय द ग्रेन्स। उनके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, जिसके वजह से वो वोट कर सकते हैं और वो राशन कार्ड से अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, ऐसे लोगों के लिए खाना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ना के आइडेंटिटी। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रेदर लीव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। आपको दिख रहा है ये पूरी लाइन इन्वर्टेड में कही गई है, मतलब कोई बोल रहा है, राइट right? तो वो ऐसा कोई बोल रहा है कि अगर एंड ऑफ द डे हम अगर अपने फैमिली को खाना खिला सके और सो सके विदाउट एकिंग अ स्टमक, मतलब भूखे पेट ना सोए, खा के अगर हम सो सके, वी वुड रेदर लीव देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, इससे अच्छा है हम यहीं रहें, ना कि ऐसी खेतों में जहाँ पे कोई ग्रेन
नहीं मिले हमें, मतलब खेती ना हो सके। सी अ ग्रुप ऑफ वुमन इन अ टैटर्ड सारीज, कुछ ग्रुप ऑफ वुमन से जिन्होंने लेखिका को बोला था, उन्होंने कैसी साड़ी पहनी हुई है, टैटर्ड साड़ी, टैटर मतलब थोड़ी पुरानी और फटी हुई, ओल्ड एंड टॉर्न। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, ये आंसर उनको कब मिला था, जब उन्होंने पूछा था सब लेडीज को कि आपने अपना घर क्यों छोड़ा। वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम द ट्रांजिट होम, जब भी उन्हें जहां भी खाना मिलता वो अपना घर वहां बसा लेते। ट्रांजिट होम का पिक्चर दिया हुआ है ब्लू कलर में, राइट। और पिच का मतलब होता है सेटअप एंड फिक्स दी पोजिशन, जहां उन्हें खाना मिलता है वो अपना घर वहां बना लेते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग द पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके बच्चे भी उनके साथ ग्रो होते हैं एज अ पार्टनर्स इन दी सर्वाइवल। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, सर्वाइवल जो सीमापुरी के लोग हैं उनका मतलब क्या होता था, यू हैव टू रैग पिक। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, सालों से एक ही चीज करते 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 अब उनके लिए वो एक आर्ट हो चुकी है। गार्बेज टू देम इज अ गोल्ड, इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड, एंड इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। गार्बेज जो है उनके लिए वो गोल्ड है, गोल्ड मतलब ऐसी कोई चीज उनको उसमें से मिल जाना जिससे वो अपना खाना पा सके, ऐसी कोई चीज मिल जाना जिससे वो अपना घर बना सके, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया है गार्बेज इज टू देम गोल्ड, बट बच्चों के लिए इट इज इवन मोर, बच्चों के लिए कुछ ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, देखते हैं क्या ज्यादा है। समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रूपी नोट साहिब से हिज आईज लाइटिंग अप, खुश होते हुए साहिब कहता है कि मेरे को कभी 1 रुपया भी मिल जाता है तो कभी 10 रुपये भी मिल जाते हैं। When you can find a silver coin in a heap of a garbage, you don't stop scourging, for there is a hope of finding more. अगर आपको garbage में से कभी 1-2 रुपए मिल जाए तो आप उस चीज को रोकोगे नहीं, आप और encourage हो जाओगे, एक आपको hope होगी कि आज अगर मेरे को 2 रुपए मिले तो शायद कल 10 मिलेंगे, और कल 10 मिले तो शायद मेरे को 100 रुपए मिल जाए, right? So there is a hope. तो ये चीज उनको और motivate करती है करने के लिए। It seems that for a child, garbage has a different meaning from what it means to their parents. बच्चों के लिए इसका मतलब अलग ही है और parents के लिए इसका मतलब अलग है। Parents का मतलब ये है कि you have to survive and अपनी family को survive करना है, उसके लिए they are doing the rag picking. For the children, it is a wrapped in a wonder. For the elders, it means of survival. बच्चों के लिए एक ऐसी चीज़ है, एक अनोखी चीज है जो रैप्ड की हुई है, राइट, जिसको वो लोग खोलते हैं और उसमें से कोई नई चीज उनको मिलती है। पर एल्डर्स के लिए इट इज मीन्स फॉर सर्वाइवल। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फिनेंस्ड गेट ऑफ अ नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन अ वाइट प्लेइंग टेनिस। कुछ दिनों बाद ठंड की सुबह थी और ठंड में जब वो बाहर आई तब उन्होंने देखा कि साहेब उनके घर के बाहर खड़ा है, गेट के बाहर खड़ा है और वो कुछ देख रहा है। वो ये देख रहा था कि दो यंग मैन जिन्होंने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है और वो लोग टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम ही यूम्स, वो बोलता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फिनेंस, मतलब वो इतना इतनी अच्छे तरह से उस गेम को देख रहा है, राइट, कि उसे ऐसा लग रहा है कि काश मुझे भी ये गेम खेलने मिल जाए। आई गो इन साइड वैन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स, वो बताता है कि जब यहाँ पे कोई नहीं होता तब मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर कीप्स मी यूज टू स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे वहां पे झूला झुलाता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसने चड्डी पहनी हुई है, शर्ट है, ठीक है, और जो उसने शूज पहने हुए हैं वो भी टेनिस के ही शूज हैं, पर वो उससे मैच कर रहे नहीं है। समवन गेव देम टू मी, उसने बताया कि किसी ने उसको वो शूज दिए हैं। ही से इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करते हुए उसने कहा।
The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of hole in one of them. जाहिर सी बात है कि किसी रिच बच्चे के ये शूज हैं जिसने रिफ्यूज कर दिया है उसको पहनने के लिए क्योंकि उसमें एक शू में एक छोटा सा होल है. एंड इट डजंट बॉदर टू हिम. बट ये साहिब के लिए कोई बॉदर वाली बात नहीं है. उसे वो बुरा नहीं लग रहा पहने क्योंकि उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि उसे वो शूज मिल गए. फॉर वन हु हैड वॉक्ड बैरफुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम केम टू. जो नंगे पाँव चलता रहा है उसे अगर ऐसा शू भी मिल जाए तो उसके लिए एक ड्रीम केम टू वाली बात है. बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. जो गेम वो इतने ईगर के साथ और अटेंशन के साथ देख रहा है वो उसके बस की बात ही नहीं है. दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ इन हिज हैंड्स ऑफ अ स्टील कैनिस्टर. अभी ये कुछ टाइम बाद की बात है. यहाँ पे साहेब मिल्क बूथ पे मतलब दूध लेने जा रहा है. उसके हाथ में एक बहुत बड़ा स्टील कैनिस्टर, वो आपने देखा होगा जो मिल्कमैन होते हैं के पास बहुत बड़ा ऐसा कैन होता है, वो लेके वो जा रहा है. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज. अब वो लेखिका को बता रहा है कि अब तो मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ. पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, ऐसे पॉइंट करके वो है कि वहां जो टी स्टॉल है वहां पे मैं काम करता हूँ. आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स डज ओके. यहाँ पे बता रहा है कि मुझे 800 रुपए मिलते हैं मेरा सारा खाना पानी देने के बाद. मुझे खाना देते हैं और 800 रुपए देते हैं. डज ही लाइक दी जॉब आई आस्क. फिर से लेखिका ने उसको पूछा कि आपको आपकी जॉब पसंद है. हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट दी केयरफ्री लुक. उसका जो फेस है वो अचानक से चेंज हो गया और जो पहले केयरफ्री लुक रहता था क्योंकि ही वॉज हिज ओन बॉस राइट. The steel canister seem heavier than the plastic bag he would carry so lightly. जो कंटेनर है इसका वो काफी भारी है कंपेरेटिव टू दी प्लास्टिक बैग जो वो पहले कैरी करता था. ओवर हिज शोल्डर एंड द बैग वॉज हिज द कैनिस्टर बिलोंग टू दी मैन हु ओन्स अ टी शॉप. वो जो बैग था वो उसका था, ही वॉज अ ओनर. बट जो कैन है वो किसका है, जो टी शॉप ओनर है उसका. साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. साहेब जो है वो अब खुद का मास्टर नहीं रहा. तो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट जिसमें साहेब की स्टोरी बताई गई है. साहेब जो है एक बच्चा है जो रैग पिकिंग का काम करता था और उनकी फैमिली उनका घर जो है वो छोड़ के आ चुकी है. उनकी फैमिली कहाँ थी, ढाका बांग्लादेश में थी. 1971 में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुए थे तब के टाइम बहुत सारे बांग्लादेश के लोग दिल्ली आ चुके थे सीमापुरी में और रैग पिकिंग का काम करते थे. अब उन लोगों के लिए सर्वाइवल वॉज रैग पिकिंग और बच्चों के लिए इट वॉज अ वंडर टू फाइंड समथिंग इन दी गार्बेज. तो ये ट्रेडिशन बन चुका था कि रैग पिकिंग का ही काम करना है. दे डोंट नो हाउ टू कम्प्लीट देयर एजुकेशन, कैसे वो अपना एजुकेशन कम्प्लीट करें. और उनके दिमाग में वो कुछ नया करें ऐसे कोई सोच आ ही नहीं सकती थी क्योंकि हर पीढ़ी उनकी वही काम करती हुई आई है. तो यहाँ पे लेखिका जो राइटर है वो बताना चाहती है कि इतनी हद तक पॉवर्टी है कि वो लोग ये सोच ही नहीं सकते कि वो नया काम कैसे शुरू करें. क्लियर. सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आए. अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि इसका जो पार्ट टू है वो आपको आप इजीली इसकी नोटिफिकेशन आएगी आपको और आप वो देख सकते हैं. क्लियर. शेयर विद दी स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू गो फॉर द ट्यूशन क्लासेस. मैंने जब फर्स्ट वीडियो रखा था इसके 12th इंग्लिश का तो मुझे हमारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पेज पे एक रिप्लाई आया था कि देयर इज़ अ वन चाइल्ड हु इज़ नॉट एबल टू गो ट्यूशंस बिकॉज उसके फादर की डेथ हो गई है राइट. और उसके मदर जो है वो गांव में फंस गए हैं एंड शी इज़ नॉट एबल टू गो इन एनी ट्यूशन क्लासेस. तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप ये जो वीडियोज़ हैं जो थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों तक पहुंच सकें.
हम लोग कोर्स भी लॉन्च करेंगे, पर ऐसे बच्चों को कोई फीस नहीं पे करनी है, राइट? तो जो भी ऐसे बच्चे हैं, इवन ऐसे ना हो, भले दे कैन अफोर्ड, पर अगर उनको ये हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सुना है कि इंग्लिश टीचर्स इजीली अवेलेबल नहीं है, अगर है भी कुछ ट्यूशन क्लासेस में, तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फेस करते हैं जो उनको इंग्लिश प्रॉपरली नॉलेज नहीं मिल पाता है। तो ये हिंदी में एक्सप्लेन करने का मतलब ही ये है कि उनको ये चैप्टर की स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो काइंडली अगर आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो शायद ऐसे जो बच्चे जो मैंने आपको स्टोरी बताई, तो आप उन बच्चों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, शेयर करें, भले लाइक ना करें बट शेयर करें ऐसे बच्चों को, ताकि वो ये वीडियोस देख सकें, और हम अगर आगे फ्यूचर में जो वेबसाइट लॉन्च करने का सोच रहे हैं कोर्सेज, वो बहुत ही मिनिमम रेट में होंगे, जो आप कोर्स इजीली बाय कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से हो या रिच क्लास फैमिली से हो। और जो बच्चे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा, उनको कोई भी चार्ज नहीं देना रहेगा इन फ्यूचर। और जितने वीडियोज़ हम अभी यूट्यूब पर डाल रहे हैं, एटलीस्ट आप वो उनको शेयर करें। थैंक यू।